एक कुत्ता जो कि एक मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है वो 10 से 12 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान एक मिनट में 14 से 15 सांस लेता है और वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि एक मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांसें लेता है वो 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है, कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता, कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर वो क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है इसका कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं, कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है, आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है, न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है, फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका, कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की, लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती है, उथले पुथले रहती है या फिर तेजी से चलती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही है। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है, वहीं पर काम वासना का भाव उठता है तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन योगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था और अब वो अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं
कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके योगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। ये सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो हमारे भीतर घटता है वो भी और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है और सांसों को नियंत्रित करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वो 150, 200 या फिर 300 सालों तक भी जी जाते हैं, तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वो इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वो इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है। और हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपने सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा, जब वो बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है, उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा बच्चा अपने मन में किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वो किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो वो कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसीलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती है, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें चाहिए, इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट की बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी एक मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है।
सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन से है। अगर एक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजों, उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर एक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें एक मिनट में 6 से कम हो जाती है तो बेजान चीजें कैसे काम करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में तो ये भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये सब बातें कहानी लग सकती है क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी योगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर कि वो जब चाहें जितने समय के लिए चाहें अपनी सांस, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहां मौजूद रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई थी। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे वो अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ डेथ। गुरु ने आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई
10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकालते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ एक अंगुल का मतलब एक अंगुली मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल। सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देती है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने दो ही चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस ले, और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई एक अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी को दूर दृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनीत के दाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती है, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है, फिर वो जब चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है। लेकिन ये सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा होगी। और मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी सांसें हैं। इसीलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वही असल में सच्चा योगी होता है। नाड़ियों के विज्ञान के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करें।